दिखाते हैं, इधर देख लो भाई, दिव्यांशी की मम्मी इधर नीचे लपक रही है, इनको लपकने की बहुत आदत है। देख लो दोस्तों, देख लो, बहुत मजे ले रही हैं। और इधर देख लो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आपकी दुआओं से हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत अच्छा ब्लॉग है, देखिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है सुबह सुबह। दोस्तों सुबह के 8:30 बज चुका है और धूप बहुत तेज हो गई है। दोस्तों हम धूप में खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं। और इधर देख लो दोस्तों, दिव्यांशी भाई फोन चला रही हैं कुर्सी के ऊपर बैठ के। हाय करो, हाय गाइज, क्या कर रही हो? गाइज पूछ रहे हैं क्या कर रही हो। देख लो दोस्तों कितने गुस्से में, ये मोबाइल चलाने में बिजी है। तो दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, भाई दिव्यांशी बहुत गुस्से में है, ये कुछ नहीं बोलेंगी। देख लो दिव्यांशी भाग के उधर खड़ी हो गई जाके। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं, इधर देख लो आप लोग, भाई दिव्यांशी की मम्मी बर्तन धो रही हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये तसला रखा हुआ है, ये कढ़ाई रखी है, ये देख लो टब रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप लोग देख लो कितने सारे बर्तन हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, इधर देख लो दिव्यांशी भाई चारपाई पे लेटी हैं, भुर भुर कर रही हैं। क्या कर रही हो? चलिए दोस्तों, भाई मुझे भूख बहुत तेज लगी है, पहले पेट पूजा करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों पापा, दोस्तों देख लो भाई दिव्यांशी मेरे पीछे खड़ी है, ये कैसे खुट खुट कर रही है। हाँ बताओ क्या कह रही है। नहीं भाई मैं कपड़े अपड़े नहीं लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। चलिए दोस्तों भाई पैसों का जुगाड़ करते हैं थोड़े बहुत और इनको कपड़े ला के देते हैं, नहीं तो ये हमारा सर खा जाएंगी। सो दोस्तों मैंने पेट पूजा कर ली है भाई, खाना खा लिया और इधर देख लो मैं नहा धो के तैयार भी हो गया हूँ। चलिए दोस्तों अब हम बाजार के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान सट्टा लेना है, जैसे कि होली आ रही है आपको पता है, और फिर आके आपको दिखाते हैं। दोस्तों सो दोस्तों मैं मार्केट के लिए जा रहा था, मैं रास्ते में रुका हूँ, देख लो मेरे पीछे एक मंदिर है। दोस्तों ये रास्ते में एक मंदिर पड़ गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इधर देख लो रोड कितना अच्छा है और पेड़ कितने अच्छे अच्छे रोड के किनारे किनारे लगे हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम मार्केट में आ गए हैं, बाजार में आ गए हैं। मेरे पीछे देख लो ये पटाखे का ठेला लगा हुआ है, और इधर देख लो मेरे पीछे ये गली गई है मार्केट के लिए। दोस्तों मैंने अपना सामान ले लिया है मार्केट से, अब निकलते हैं घर के लिए। घर पे पहुंच के आपको दिखाते हैं दोस्तों मैंने क्या क्या सामान लिया है। ठीक है दोस्तों चलते हैं। देख लो दोस्तों हम अपने घर के लिए जा रहे हैं। दोस्तों मार्केट से वापस आ गए हैं, बाजार से वापस आ गए हैं। दोस्तों मैंने बाजार से क्या क्या सामान खरीदा और क्या क्या लिया चलिए आपको दिखाते हैं। इधर देख लो भाई दिव्यांशी की मम्मी इधर नीचे लपक रही हैं, इनको लपकने की बहुत आदत है। देख लो दोस्तों, देख लो, बहुत मजे ले रही हैं। और इधर देख लो भाई मेरी दिव्यांशी बैठी है और मेरा सामान भी इधर ही रखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या सामान मैंने खरीदा। इधर देख लो दोस्तों, ये कुर्सी पे सामान रखा हुआ है, ये झोला रखा है, इस झोले में सामान है, और ये एक परस रखी है, इस परस में सामान है। चलिए आपको दिखाते हैं। और देख लो भाई दिव्यांशी हम सामान दिखाने जा रहे हैं, मेरे पास आ गई है, एकदम डांस करने लगी है, कितना खुश है, बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। अच्छा तुम्हारे कपड़े आ गए। दोस्तों इनके कपड़े आए हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो भाई दिव्यांशी के लिए ये क्या है, ये दिव्यांशी के कपड़े हैं। और ये देख लो दोस्तों ये घिंगरिया है, स्कर्ट देख लो कैसी है, कलर कैसा है, अच्छा है, ये कैसा है बाबू, अच्छा है, अच्छा लोवर की सा, ये जो कह रहे हैं कि लोवर की सा है, ये भी देखो, ये भी अच्छा है, देखो लोवर बंदा, अच्छा ये भी अच्छा है। देख लो दोस्तों दिव्यांशी की मम्मी नाप रही है। दोस्तों कपड़े तो अच्छे हैं भाई, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, जितनी हमारी औकात है उसी हिसाब से मैंने कपड़े खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों आगे और दिखाते हैं और मैंने क्या खरीदा। देख लो दोस्तों दिव्यांशी कह रही है मेरी चप्पल, ये देख लो दोस्तों ये दिव्यांशी के लिए सैंडल भी खरीदा हुआ है मैंने, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा कितना खूबसूरत है। और दोस्तों एक पपीता भी लेके आया हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा पपीता है, कितना अच्छा फल है। चलिए दोस्तों इसको काट के देखते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं, ये मीठा निकलेगा या खट्टा निकलेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई हमारा पपीता इन्होंने काट दिया है, आप लोग देख लो कितना अच्छा पपीता निकला है, अंदर खराब नहीं निकला है। और दिव्यांशी भी पास में बैठी है, तो हमारा पपीता काटा जा रहा है, इसके पीस बनाए जाएंगे। और दिव्यांशी भाई थाली लेने गई है, उस थाली में छोटे छोटे पीस बना के रखेंगे, फिर इसमें दोस्तों मसाला डालेंगे, मसाला डाल के खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा टेस्ट आता है। भाई मुझे तो पपीता बहुत पसंद है, और जिस भाई को खाना है तो वो कमेंट कर देना ज़रूर। दोस्तों हम लोग धूप में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए मेरा चेहरा साफ नहीं आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, हमारा पपीता कटने वाला है। और देख लो भाई दिव्यांशी आ गई है, थाली नहीं लेके आई, लेके आई हूं। कहाँ है? मम्मी के
अच्छा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो भाई, हमारा पपीता काट दिया गया और काट के एकदम थाली में सजा दिया गया। देख लो एकदम फूल बन गया, कितना अच्छा लग रहा है। और दिव्यांशी भाई बहुत उतावली हो रही है पपीता खाने को। चलिए दोस्तों इनको काट के दे देते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ऐसे ही चाहिए क्या? ठीक है ठीक है। दोस्तों दिव्यांशी बहुत रो रही है, चलिए इनको एक पीस उठा के दे देते हैं। हाथ गंदे हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है दोस्तों, हमने दे दिया इनको। हाय करो जल्दी से। हाय गाइस, पपीता खा रहे हैं। और दोस्तों इधर देख लो भाई, दिव्यांशी की मम्मी ने पपीता के पीस बना दिए छोटे छोटे। चलिए आपको दिखाते हैं तो कितने अच्छे कितने खूबसूरत पीस हैं पपीता के, आप लोग देख लो। बाबू माचिस की तीली ले आओ, माचिस की तीली, तीली से खाएंगे उठा उठा के। सो दोस्तों आप लोग देख लो भाई, हम पपीता का टेस्ट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका। ये देख लो भाई, हमने तिल्ली इसमें घुसा दी है, ये एक पीस है, इसको उठा के खाते हैं फिर आपको बताते हैं। दोस्तों पपीता तो हमारा बहुत मीठा निकला है, बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। इधर भी देख लो भाई, मैं तो पपीता खा चुका हूँ, अब ये लोग पपीता खा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पपीता तो बहुत अच्छा है। और इधर भी देख लो दोस्तों, हमारे पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई, हम पतंग उड़ा रहे हैं अपने छत के ऊपर खड़े होकर। आप लोग देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, मैं मार्केट से क्या क्या सामान लाया, क्या नहीं लाया, जो कुछ सामान लेके आया सारा सब कुछ आपको दिखा दिया। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करो, ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।